Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up. Hey guys, welcome back to my channel. आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल सा मेकअप लुक. अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं या फिर आप कॉलेज जाती हैं या फिर आप टीनेजर हैं या फिर आप बिगनर्स हैं, बहुत से लोगों के लिए ये मेकअप लुक बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. बहुत ही सिंपल एंड ईजिली ये मेकअप लुक आप कर सकते हैं. आपको अगर मेकअप में बहुत ज़्यादा कुछ करना पसंद नहीं है तो आप बहुत ही सिंपली इस तरह का मेकअप कर सकते हैं और आपको ज़रूर पसंद आएगा. वीडियो अगर पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर हिट कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे. और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्वाति मिश्रा प्रो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने बेस मेकअप से. यहाँ पे बेस मेकअप में बहुत ही लाइट करने वाली हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं किसी फाउंडेशन का यूज़ नहीं करूँगी. सिर्फ कंसीलर की हेल्प से अपना बेस मैं करूँगी. फाउंडेशन यूज़ करने से ना मेकअप बहुत हैवी हो जाता है और साथ ही साथ हमें प्रोडक्ट की लेयरिंग नहीं करनी है, तो यहाँ पर सिर्फ कंसीलर का यूज़ करेंगे. अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे. फाउंडेशन नहीं अप्लाई कर रहे तो कंसीलर को ही अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है. मेकअप बहुत ही नॉर्मल होने वाला है, बहुत ही सिंपल होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट की लेयरिंग हमें नहीं करनी है. तो आप देख सकते हैं उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को थोड़ा सा फिल इन करूँगी. आईब्रोज़ सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेकअप में. आप कुछ भी करो या ना करो बट आईब्रोज़ ज़रूर सेट करनी चाहिए. और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट से अपने कंसीलर को सेट कर दूँगी जिससे वो क्रीज ना हो, कोई लाइन ना बने, ब्लैकनेस ना आए, इसलिए सेट करना ज़रूरी होता है. और अब आप देख सकते हैं मैं अपना आई मेकअप करूँगी. यहाँ पे एक लाइट रेड कलर का शेड लेकर के मैं अपने पूरी आईलिड पे फिल इन कर रही हूँ. कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल एंड बेसिक मेकअप रखना है बिकॉज़ ये ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए या फिर कॉलेज के लिए है. तो आप थोड़ा सा लाइट मेकअप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लुक अच्छा नहीं लगता है. तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट रेड शेड लेकर के, बहुत ही लाइट शेड है, ये रेड है बट बहुत लाइट है. आप देख सकते हैं पूरी आईलिड्स पर मैंने बस कवर कर लिया है. एंड उसके बाद मैं यहाँ पर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ. मस्कारे के लिए मैं यहाँ पे मेवलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही अच्छा मस्कारा है, आपकी आईलैसेस को अच्छे से वॉल्यूमनाइज कर देता है. तो आप देख सकते हैं अपने लोअर लैसेस पे एंड अपर लैसेस पे अच्छे से दो तीन कोट अप्लाई कर लें. और नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट काजल. यहाँ पे मैं ब्लैक काजल नहीं यूज़ कर रही हूँ. आप चाहें तो ब्लैक काजल यूज़ कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा ब्लैक काजल पसंद कम करती हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा वाइट काजल ही यूज़ कर रही हूँ. और ये वाइट काजल आपकी आँखों को भी बड़ा दिखाने में बहुत हेल्प करता है. तो ये डन हो चुका है. और उसके बाद थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करेंगे, बहुत ही लाइट. इनफैक्ट जो मैंने शेड यूज़ किया है अपने आई शेडो के लिए उसी शेड से मैं थोड़ा सा ब्लश यूज़ कर रही हूँ. आप चाहें तो ब्लश स्किप कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ. लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे फेसेस कैनेडा की मिनी लिपस्टिक ली है जिसमें मैंने ये लाइट ब्राउन शेड लिया हुआ है जो कि आपकी बिल्कुल लिप्स के कलर का हो जाता है. तो लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिखती और साथ ही साथ लुक भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है. तो मेकअप जो है वो हमारा डन हो चुका है. एंड मैं यहाँ पर एक छोटा सा ईयरिंग यूज़ कर रही हूँ अपने लुक को और अच्छा दिखाने के लिए. तो हियर इज़ माई फाइनल फिनिश लुक. आई होप आप लोगों को पसंद आए. सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो. आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया हो और अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें. चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें. दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.